ICDS विभाग के अंतर्गत गोद लिए गए अति कुपोषित ग्रामों में राज्य पोषण मिशन के कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी एवं अनुश्रवण तथा कुपोषण को दूर किए जाने, आंगनवाड़ी भवन निर्माण व आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाने हेतु अधिकारियों को आवंटित केंद्रों विषयक बैठक मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजू वर्मा ने बताया कि राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी एवं कन्वर्जन समिति के सदस्य आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाने हेतु गोद लेने वाले समस्त जिला ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं जिला पोषण समिति एवं निवारण समिति के सदस्यों के साथ पोषण संबंधित विभिन्न आयामों पर समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि सही पोषण देश रोशन भाव के अंतर्गत बच्चों के पोषण की स्थिति, कुपोषित अति कुपोषित बच्चों, NRC, VHND, पोषण टैंकर, होम विजिट, ब्लॉक कन्वर्जन समिति की बैठक 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं एवं एनेमिक किशोरियों की सूचना, आयरन गोली की उपलब्धता, कुपोषित बच्चों के परिवारों को शौचालय, राशन कार्ड, जॉब कार्ड से लाभान्वित कराए जाने की स्थिति, पोषण वाटिका, आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाने हेतु अधिकारियों को आवंटित केंद्रों का विवरण, आंगनवाड़ी केंद्र भवन की स्थिति आदि बिंदुओं पर समग्र आयामों से समीक्षा करते हुए और अधिक प्रभावी व क्रियाशील बनाने का निर्देश दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने जच्चे बच्चे के पोषण संबंधी कार्यों में शिथिलता व लापरवाही बरतने पर सुपरवाइजर व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कड़ी चेतावनी देते हुए अगले माह में अपेक्षित प्रगति नहीं आने पर वेतन रोकते हुए विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में ई कवच में शिथिलता व लापरवाही बरतने के कारण जनपद की रैंक खराब होने पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया। मुख्य विकास अधिकारी ने सेम मैम बच्चों के चिन्हांकन हेतु नए तरीके व आयामों पर बल दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर मौजूद डायरी में दिन भर की समस्त क्रियाकलापों का विवरण उल्लेखित करने का निर्देश दिया। गर्भवती व धात्री महिलाओं को मूंगफली, सोयाबीन का पाउडर व गुड़ का पैकेट तथा दवाओं का किट वितरण करने का निर्देश दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जब जच्चे बच्चे को सही पोषण मिलेगा तभी देश रोशन होगा। बैठक में प्रभागीय वन अधिकारी नीरज आर्य, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर OP शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ज्ञानपुर डॉक्टर राजेंद्र कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी ऐश्वर्य राज, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त CDPO, यूनिसेफ प्रभारी माधवी एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।